उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ दायित्व बंटवारे पर भी चर्चा की गई है और जल्द ही दायित्व बंटवारा होने की उम्मीद है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने साफ किया है कि वितर्कात करने वालों को पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ, आपने देखा होगा ऊपर से देखे नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों अनेक योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे, इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक, बूथ प्रबंधन की हमारी बैठक है और हमारे प्रदेश के हमारे नेतृत्व आया हुआ है, दोनों विषय है। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है। हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनने और सारे विषय चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामान्य राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार उपलब्धियाँ हैं। इसके साथ साथ एक कार्यकर्ता हमारा राज्य सरकार प्रौद्योगिकी विषय पर भी खबर रखेगा।